दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10 मैजिकल हॉलीवुड मूवीज जिनके अंदर आपको बहुत भारी मात्रा में मैजिक देखने को मिलेगा। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था जो बहुत ज़्यादा हिट रहा है, तो मुझे लगा कि अब सही वक्त आ गया है इसका सेकंड पार्ट बनाने का, जिसके अंदर हम और 10 हॉलीवुड मूवीज़ को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम मैजिक मूवीज़ को इंक्लूड करेंगे। ये सारी की सारी मूवीज़ बहुत अमेजिंग हैं। इन मूवी के अंदर आपको मैजिक, फैंटेसी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी मूवीज़ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी 10th मूवी है अब रिंकल इन टाइम। ये मूवी आई थी 2018 में। ये एक एडवेंचर फैमिली फैंटेसी मूवी है। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से, जिसके साइंटिस्ट फादर सडनली डिसअपीयर हो जाते हैं, उनका कहीं पता नहीं लग रहा होता। तभी 3 पेक्युलर बींग उनको स्पेस के अंदर भेज देते हैं। पेक्युलर बींग मतलब विचित्र जीव जो ना देखे गए थे और जिनके बारे में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे बींग उनको स्पेस के अंदर भेज देते हैं ताकि वो जाके अपने फादर को ढूंढ सके। वो अलग अलग टाइम्स में अलग अलग टाइमलाइंस में जाके अपने पिता को ढूंढते हैं। मूवी की पूरी मिस्ट्री आपको इस मूवी के अंदर पता चलेगी कि आखिर ये बींग्स क्या है, उनके पिताजी कहाँ गायब हो गए थे, सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर ही पता चलेगा। ये मूवी हिंदी में आ चुकी है। दोस्तों हमारी 9th मूवी है कॉन्स्टेंटाइन। ये मूवी आई थी 2005 में। ये एक एक्शन फैंटेसी हॉरर मूवी है। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक सुपर नेचुरल एग्जॉसिस्ट से, एक डेमोनोलॉजिस्ट जॉन कॉन्स्टेंस से। ये आदमी हेल्प करता एक पुलिस वुमन को ये प्रूव करने में कि उसकी बहन ने सुसाइड नहीं किया, उसकी डेथ का कारण सुसाइड नहीं है बल्कि इसके पीछे एक अलग ही मिस्ट्री है, एक अलग ही कारण है। इस मूवी के अंदर आपको मैजिक तो बहुत भारी मात्रा में देखने को मिलेगा, पर वो मैजिक कोई नॉर्मल मैजिक नहीं, ब्लैक मैजिक होगा। ये एक हॉरर मूवी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। इस मूवी को रेटिंग्स मिला है 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी 8th मूवी है द किड हु वुड बी द किंग। ये मूवी आई थी 2019 में। ये एक एक्शन एडवेंचर फैमिली मूवी है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है एक नॉर्मल बच्चे की, पर एक दिन उसको मिलती है एक्सकैल्बर नाम की एक तलवार। वो एक्सकैल्बर नाम की तलवार किसी और के हाथ से नहीं उठ रही होती, सिर्फ यही इंसान, यही बच्चा उसको निकाल पाता है, क्योंकि उस तलवार ने इसको चूज किया होता है। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा जो काफ़ी साल पहले तो टल गया था, पर वो वापस आ रहा है पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी को तबाह करने के लिए, कब्जा करने के लिए। इस मूवी के अंदर आपको देखना है क्या है बच्चा उस खतरे को रोक पाता है नहीं इस एक्सकैल्बर नाम की तलवार की सहायता से। इस मूवी के अंदर आपको बहुत भारी मात्रा में मैजिक देखने को मिलेगा। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी 7th मूवी है द लवली बोन्स। ये मूवी आई थी 2009 में। ये एक ड्रामा फैंटेसी थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई एक नॉर्मल लड़की की, जिसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती, सब कुछ उसकी लाइफ के अंदर अच्छा चल रहा होता, पर एक दिन उसका मर्डर हो जाता है। उसके बाद वो एक ऐसी दुनिया में जाती है, आप कह सकते हैं उस स्वर्ग में पहुंच जाती है जहां सब कुछ उसके साथ अच्छा चल रहा होता है, पर उसको न्याय ना मिलने की वजह से उसका जो कातिल है वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है, पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई, जिसकी वजह से इसकी आत्मा तड़पने लगती है। ये अपने पिता को हिंट देके कि मेरी आत्मा तड़प रही है, उसके बाद इसका पिता, इसकी फैमिली लग जाती है उस आदमी को पकड़ने में, ये प्रूफ करने में कि कौन असली मर्डरर है, क्या ये लोग उसको पकड़ पाते हैं या नहीं, और क्या इस लड़की की आत्मा को शांति मिल पाती है या नहीं, ये आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग मिला है 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों हमारी 6th मूवी सीरीज है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। इसके अभी तक 3 पार्ट्स आए हैं, तीनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी सीरीज है। इस मूवी के अंदर आपको सिर्फ मैजिक नहीं, डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक, अजीब अजीब क्रिएचर्स, बहुत अमेजिंग दुनिया, बहुत सारे अलग अलग तरह के वेपन्स, ड्रैगन्स और बहुत सारी वॉर आपको देखने को मिलेगी इस मूवी सीरीज के अंदर। इस मूवी सीरीज की ज़्यादातर सारी मूवीज हिट रही हैं और सारी मूवीज आपको बहुत पसंद आएंगी। ये कंप्लीट पैक है। अगर आपको मैजिक मूवीज चाहिए आप इस मूवी सीरीज को देखें। ये पूरी सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ये पूरी पूरी मूवी सीरीज। दोस्तों हमारी 5th मूवी सीरीज है द हॉबिट। ये एक एडवेंचर फैमिली फैंटेसी मूवी सीरीज है। ये द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से 60 साल पहले की स्टोरी को कवर करती है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट आपस में ही कनेक्टेड मूवीज हैं। अगर इन सारी मूवीज को आपस में कंबाइन किया जाए तो टोटल 6 मूवीज बनती है, जिनके अंदर आपको अजीब अजीब क्रिएचर्स, ड्रैगन्स, बहुत सारी वॉर, बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारे मैजिक, डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक देखने को मिलेगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही अमेजिंग दुनिया भी देखने को मिलेगी। ये सारी की सारी मूवीज़ हिंदी में अवेलेबल हैं, आप इनको डेफिनेटली देखें। इनकी सारी सीरीज जबरदस्त हैं। दोस्तों हमारी 4th मूवी है पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस द लाइटिंग थीफ। ये मूवी आई थी 2010 में। ये एक एडवेंचर फैमिली फैंटेसी
मूवी है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई एक टीनेजर की, जिसको लगता है वो एक नॉर्मल बच्चा है, पर एक दिन वो डिस्कवर करता है कि वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो ग्रीक गॉड्स का बेटा है, उसके पास देवताओं की अद्भुत शक्तियां हैं। इस मूवी के अंदर उसका मिशन है कि उसको देवताओं के बीच में जो सदियों से लड़ाई चलती आ रही है उसको सेटल करना है, उसको फिक्स करना है। आगे की स्टोरी आप खुद इस मूवी के अंदर देखिए, इसके अभी तक दो पार्ट्स आए हैं, दोनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। दोस्तों हमारी थर्ड मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज। ये मूवी आई थी 2016 में। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। ये मार्वल की मूवी है, पर इस मूवी को मैंने इसलिए इसके अंदर इंक्लूड किया कि इस मूवी को देखने के लिए आपको मार्वल की सारी मूवीज देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस मूवी को भी देख सकते हैं। इस मूवी को कहते हैं असल मायने में एक मैजिकल एडवेंचर मूवी। इस मूवी के अंदर आपको मैजिक की दुनिया को इतना बखूबी दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर एक आदमी जो ठीक से चल फिर भी नहीं पाता, वो मैजिक की सहायता से एक सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मैंने इस मूवी को इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया है। इसको रेटिंग 7.5 out of 10। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवीज को देखें। डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों, मार्वल की सारी मूवीज को देख डालिए, सारी हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी सेकंड मूवी है द लास्ट विच हंटर। ये मूवी आई थी 2015 में। ये एक एक्शन एडवेंचर फैमिली मूवी है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है एक विच हंटर की, जो डायनो का शिकार करता है, ह्यूमैनिटी को बचाता है डायनो के खतरे से कि वो कहीं इंसानों के ऊपर कब्जा ना कर ले, इंसानों को मार ना डाले। पर इस मूवी के अंदर जो विच हंटर है पृथ्वी पे आखिरी बचाव, और ये पिछले 1500 साल से जीवित है, जिंदा है। इस बार पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। वो खतरा क्या है आप इस मूवी के अंदर देखिए, ये 1500 साल से कैसे जिंदा है वो भी आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी फर्स्ट मूवी है एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स। ये मूवी आई थी 2014 में। ये एक एक्शन ड्रामा फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर स्टोरी शुरू होती है इजिप्ट से, जहां पे एक बहुत ही क्रूर राजा इजिप्ट के लोगों को, वहां के निवासियों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा होता है, उनको बहुत तंग कर रहा होता है। पर इस मूवी के अंदर एक लीडर खड़ा होता है उस राजा के सामने, जो उन स्लेव्स की रक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाता है और उन 60,000 स्लेव्स को, उन गुलामों को इजिप्ट से बाहर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि इजिप्ट के अंदर एक बहुत बड़ी डेडली महामारी फैल चुकी है, जिसकी वजह से बहुत से लोग मर रहे हैं। ये मूवी मैंने मैजिकल मूवीज की लिस्ट में क्यों इंक्लूड की और ये फर्स्ट पोजीशन में क्यों है, यह आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। ये मूवी बहुत अमेजिंग है, आपको बहुत पसंद आएगी ये मूवी। तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसका एक और पार्ट चाहिए तो आप जरूर बताएं, मैं एक और पार्ट जरूर लेकर आऊँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।